आज हल्की हल्की बारिश हो रहा है, तेज भी बीच बीच में हो रहा है बारिश। मौसम बहुत ही अच्छा किया है तो अभी कुछ भी पौधा लगा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छा मौसम किया है। तो ये थर्माकोल के एक डब्बा है बॉक्स, तो इसमें आज मैं पौधा लगाऊंगी। तो किसी सामान कोई आता है तो उसमें आता है, इस तरह के निकल जाता है, थोड़ा गहरा है देख सकते हैं इतना। तो इसमें आज मैं धनिया लगाऊंगी, तो और भी इस तरह के मेरे पास है तो उसमें और कोई पौधा लगाऊंगी। तो ये घर में जो धनिया हम यूज करते हैं तो वही धनिया है। तो इसे दो टुकड़ा कर दिए थोड़ा क्रश करके, तो अच्छे से जम जाता है। तो इसमें मैं मिट्टी आपको दिखाती हूँ किस तरह का मेरा मिट्टी रहता है। तो देखिए ये गमले के ही मिट्टी है, जो पौधा हम लगाते हैं तो जो पौधा सूख जाता है, गर्मी के सीजन आता है तो इससे हम छत पर ही पौधा सहित हम सुखा देते हैं। तो ये खाद बन जाता है, जो पत्ती उसका डंगाल होता है मिट्टी में, तो थोड़ा सा इसे सूख जाता है तो क्रश कर दे कोई चीज़ से, तो अच्छे से टूट जाता है जो डंगाल वगैरह रहता है। तो देख सकते हैं मिट्टी, तो इसी मिट्टी के मैं पौधा लगाती हूँ। तो ये डाल रहे हैं, इसमें फूल के भी बीज वगैरह है तो वो भी उग जाता है। तो ये जो डंगाल और पत्ती जो दिख रहा है, फूल के बीज वगैरह भी है, तो ये बहुत ही अच्छा खाद के काम करते हैं। इसमें कोई खाद नहीं डालना पड़ता है, मिट्टी भी बहुत हल्का रहता है। तो इसमें हम भर दिए मिट्टी। तो ये जो डंगाल है जो सूख गया है, बहुत ही अच्छा खाद बन जाता है। तो ये धनिया हम लगा रहे हैं, तो इसी तरह हम छींट दे रहे हैं धनिया। तो अभी तो कोई चीज़ आप लगा सकते हैं, पालक हो या लाल साग जो भी है, तो इस तरह बहुत ही अच्छे उग जाते हैं। ये मिट्टी तो बहुत ही अच्छा खाद की तरह काम करता है, कोई खाद की ज़रूरत भी इसमें नहीं पड़ेगा। तो ज़्यादा करके मैं ऐसी लगाती हूँ, खाद यूज नहीं करती हूँ, बहुत कम यूज करती हूँ। तो मिट्टी में ऐसी तैयार करके रखती हूँ, तो अच्छे से मैं मिक्स कर दी। तब इसे हम पानी में रख देते हैं या गिरा छत में। तो देखिए इस तरह के हमारे स्टैंड हम बना रखे हैं, तो उसी पर रखेंगे। तब अभी तो पानी पड़ रहा था सब अच्छे से, मैं धीरे धीरे पानी हल्का हल्का पड़ेगा तो अपने आप उगेगा, पानी हम नहीं डालेंगे इसमें। तो एक हॉल में नहीं की हूँ तो इस तरह कर दे रहे हैं, देखिए जो एक्स्ट्रा पानी होगा इस तरह निकल जाएगा। तो इस तरह हम होल कर देते हैं, तो अच्छे से हम होल कर दे रहे हैं कि पानी रुकेगा नहीं। आप चाहें तो इसी तरह की दो होल कर सकते हैं। तो बारिश के दिन है तो ज़्यादा पानी होगा तो गल भी जाता है पौधा, इसीलिए अच्छे से मैं एक ही बड़ा होल कर दी। और ये देख सकते हैं ये सब फूल है, बहुत ही अच्छा फूल खिलता है ये बरसात में, और दो तीन का तरह के इसमें फूल है। इसके बीज खुदे गिर गया, इसी तरह मिट्टी था, इसमें भी फूल जमेगा। तो इसी तरह के सारी मिट्टी हम तैयार करते हैं, तो खुदे से बीज गिर के जम गया, गर्मी में सब सूख जाता है। अगर पानी की सुविधा है तो आप बचा सकते हैं, नहीं तो सूख जाता है। ये तो सीजनल फूल है, तो ये देख सकते हैं ये गर्मी में भी नहीं सूखता है, इसमें पानी भी नहीं डाले तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छा खिलता है। बारिश हो रहा था, थोड़ा सा पानी से मुरझा गया, घास है तो निकाल दे रहे हैं। तो ये तो फ्लावर बहुत